में मास्टर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो स्कूल मेरे गांव में नहीं था। 2 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था। जब बीच में पानी बरसात में नाला बहता था तो मैं उसमें नहीं जा पाता था। उस स्कूल से पढ़कर एक बच्चा आईएएस ले आओ क्या, उस स्कूल से पढ़कर अगर बच्चा न्यूरोसर्जन बन सकता है और वो एक लेवल का बन सकता है तो स्कूल बंद करने का औचित्य क्या क्या वो बंद होने चाहिए? और अगर नहीं बंद होने चाहिए तो क्यों बंद हो रहे? और अगर उनमें मास्टर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर उनमें मास्टर है तो माननीयों के रिश्तेदार और प्राइमरी जिनको संडे का मतलब इतवार नहीं, संडे का मतलब सोमवार और मंडे का मतलब बुधवार, ऐसे एक टीचर क्यों रखे जाते हैं भाई? इसका भी तो हिसाब होना चाहिए। इसका हिसाब कौन लेगा? इसका हिसाब आप लेंगे। आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के राजा हैं, आप इस देश में सरकार बनाते हैं, आप इस देश में सरकार गिराते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उस वोट की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इस देश के सिस्टम को पहचानने की जरूरत है, इस देश की व्यवस्था को पहचानने की जरूरत है। और बच्चों में संस्कार अगर आप डाल सकते हैं तो डालिए। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध ने कहा था ना, बच्चे को अपने सिखाइए कि समाज में बोलना कैसे, दूसरों की बुराई में समय ना वेस्ट करें, गप हाँकने में टाइम ना वेस्ट करें, दूसरे की निंदा पर निंदा रसना में रस के जपने पर दबे, दूसरे की निंदा करें। अच्छा कोई तो ताकत है इसमें, जब दूसरे की बुराई करते हैं कितना मजा आता है। नहीं कुछ तो है इसमें, कुछ चुंबक तो है। बुराई जब किसी की करनी होती कैसे चस्के ले लेके बुराई करते हैं। बच्चों को अपने सिखाइए कि राइट स्पीच, सही जगह सही बात बोलनी है, प्यार से बोलनी है, विनम्रता। शिक्षा, शिक्षा बिना सील और सौजन्य के हिस्र पशु के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। शिक्षा के साथ सील और सौजन्य सिखाइए उसको। संस्कार दीजिए बच्चे को, समाज में जीने की कला दीजिए उसको। राइट एक्शन, वी आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एक्शन। जैसा हम काम करते हैं वैसा ही बनते हैं। वी आर दी रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन। अपने काम के लिए मैं खुद ही रेस्पॉन्सिबल हूं। अपने काम को भुगतने का भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अपने काम से संबंध ही मैं ही रखता हूं। जो मैं आज कर रहा हूं वही मुझे मिलने वाला है। जो मैं जैसा करूंगा मुझे वैसा ही मिलेगा। बच्चे को ये संस्कार देने की आवश्यकता है। खुदावन करीम है कि नहीं, भगवान है, अल्लाह वाहेगुरु गॉड है कि नहीं है, इसमें डिबेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एथिस्ट भी हो सकते हैं, थीस्ट भी हो सकता है। लेकिन वसुंधरा पर मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता कि कर्म का सिद्धांत इस धरती पर वैसे ही लागू होता है, वैसे ही शाश्वत है जैसे हमारा सांस लेना और खाना पीना शाश्वत है। तो कर्म के सिद्धांत को बच्चे को सिखाना पड़ेगा। राइट लाइवलीहुड बच्चे को सिखाना है कि बेईमानी का, चोरी का। एक मौलाना भाषण दे रहे थे पाकिस्तान को, मैं सुनता रहता हूं कई बार, मुझे जब अच्छा लगता है। मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, बढ़िया बढ़िया जहाज पर चलिए, एयरक्राफ्ट पर चलिए, विदेश घूमिए, चंद्रमा जाइए, सूरज जाइए, जहां जहां जाना है जाइए, सब कुछ आधुनिक करिए भाई, मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ईमान वही पुराना वाला रखिए। बच्चे को अपने ईमान की शिक्षा दीजिए। अगर ईमान उसका सुधर गया तो दुनिया की विषम से विषम परिस्थिति में बच्चा आपका जीत कर दिखाएगा, कभी हार कर नहीं आएगा। इट विल बिल्ड अप हिज कैरेक्टर, इट विल बिल्ड अप हिज मोर, इट विल बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, इट विल बिल्ड अप द विल पावर, इट विल बिल्ड अप द विजडम। कितनी सारी चीजें इन सब सारी चीजों से आ जा रही। तो राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड विल रिजल्ट इनटू राइट कंसंट्रेशन। क्या होगा?
जब बच्चा आपका नियम में चलेगा तो उसका पढ़ने में मन लगेगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा, उसको किसी से खौफ नहीं रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चा अपने आप किताब में मन लगाएगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। लेकिन आपका तो फेथ ही नहीं है। मैं उसे एक बार जहाज पे नहीं टिकट मिला तो मैं 3-4 साल 2-3 साल पहले ये भोपाल से ट्रेन ले ली। अब एक मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम इसका सलूशन क्या है? सलूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं न्यूट्रेला पुलाव, पराठा नहीं न्यूट्रेला पराठा, सादी सब्जी नहीं न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं।